इसमें एक पत्र और किसी ने भेजा कि उस बच्ची की किडनी बेकार हो गई थी, पूरी किडनी सड़ गई, खराब हो गई। सुनीता ईश्वर चौधरी, पति का नाम है ईश्वर अर्जुन चौधरी। मेरी दो बेटियां हैं गुरुदेव, बड़ी बेटी है वैष्णवी 7 साल की, छोटी बेटी है ईशा 3 साल की। पता है तानाजी मालूसरे नगर, जेना बात बगीचा, आसोदा रोड, जलगांव। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। गुरुदेव मेरी छोटी बेटी ईशा की, जो कि उम्र 3 साल है, अक्टूबर 2023 को अचानक तबीयत खराब हो गई, उसका पूरा शरीर बेकार हो गया। डॉक्टर को दिखाया तो मालूम पड़ा कि किडनी बेकार हो गई है। एडमिट कराया, किडनी में इन्फेक्शन था, पेट में पानी भरना चालू हो गया, पूरे शरीर पर सूजन आ गई, किडनी पूरी तरह से फेल हो गई। डॉक्टर के हिसाब से ये बेटी का जीवन बेकार है। प्राइवेट हॉस्पिटल से सरकारी हॉस्पिटल में लेकर गए, जांच करना प्रारंभ करी, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने हाथ ऊंचे कर दिए, क्योंकि इसका इलाज नहीं, किडनी पूरी तरह से फेल है। हार गए, आखिरी में आईसीयू में डाल दिया गया, वेंटिलेटर तक की नौबत आ गई। क्या करा जाए, डॉक्टर के हिसाब से डॉक्टर अपनी दवाइयां देते रहे, इलाज करते रहे। हमने अपने काका जी और काकी जी को सीहोर भेज दिया और रुद्राक्ष बुलवाया। उस रुद्राक्ष को हम पानी में गलाते, शिव जी को चढ़ाते और बेटी के शरीर में लगा देते। बाबा, डॉक्टर कह रहे थे जब तक इसके शरीर में जो पानी भरा है वो नहीं निकलेगा तब तक ये बेटी ठीक नहीं हो सकती। हमने जैसे उसके शरीर में रुद्राक्ष का जल लगाना प्रारंभ करा, उसकी यूरिन के रास्ते से उसका गंदा पानी निकलना प्रारंभ हो गया। और बाबा की कृपा से, डॉक्टर के हिसाब से, मेरी बेटी का किडनी काम करना प्रारंभ कर दिया और मेरी बेटी ठीक हो गई। मैं बाबा को यहां नमन करने के लिए आया। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी, कोई कहे शिव जी पर जल चढ़ाया ना पियो, कोई कहे शंकर का चढ़ा हुआ जल का पान मत करो, कोई कहे बेलपत्री ना खाओ, बहुत सारे मिलेंगे 24 घंटे बैठ के तुम्हें यही ज्ञान देते रहेंगे। पर आपसे निवेदन है, अगर आपका विश्वास पक्का है, बाबा पर भरोसा करते हो, तो शिव महापुराण पर भरोसा कर आप बाबा का मनन चिंतन करते रहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहो, बाबा संभाल।